कही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर्ड न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है, करण जौहर को झटका, बिग बॉस ओटीटी दो हाथ से फिसला, सलमान खान के साथ हुई मेकर्स की तगड़ी डील, जानते हैं पूरी खबर। बिग बॉस भारतीय टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक है। सलमान खान ने टीवी पर शो को होस्ट करते हुए लगातार एक से बढ़कर एक हिट सीजन दिए हैं। ये माना जाने लगा है कि इस शो को अगर कोई होस्ट कर सकता है तो वो केवल सलमान खान ही है। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ओटीटी पर आया, इसको होस्ट करने का जिम्मा करण जौहर को सौंप दिया गया और करण जौहर ने इसे बेहतरीन तरीके से होस्ट भी किया। लेकिन अब एक नए सीजन आने के साथ करण को जोर का झटका लग गया है। एक बार फिर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की चर्चा शुरू हो गई है। पहले माना जा रहा था कि शो को करण जौहर ही होस्ट करेंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 करण जौहर के हाथ से निकल गया है और इसे इस बार बॉलीवुड के भाईजान होस्ट करेंगे। टीवी पर आए बिग बॉस वीकेंड का वॉर को जब सलमान खान होस्ट करते हैं तो फैंस उस एपिसोड को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में ओटीटी के फैंस के लिए भी सलमान खान की वापसी किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जून के लास्ट में शुरू हो सकता है। सो पहले की तरह 3 महीने का ही दिखाया जाएगा। इस शो को वो टैब पर देखा जा सकता है। अगली खबर सामने आ रही है, आदि पुरुष का ये सीन देखकर भड़के रामायण के लक्ष्मण, कहा इसे खराब मत करो, जानते हैं पूरी खबर। ओम रॉथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का धमाकेदार ट्रेलर 9 मई को रिलीज हो गया। प्रभास और कृति सैनन की इस फिल्म का ट्रेलर फैंस को लंबे समय से इंतजार था। दर्शक प्रभास और कृति को राम सीता के अवतार में देखने के साथ फिल्म की मुख्य झलकियां देखने के लिए भी बेताब थे। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेलर देखने के बाद जब कई लोगों ने इसकी तुलना रामानंद सागर के रामायण से की तो लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने आदि पुरुष के कई सीन्स पर सवाल उठा दिए। सुनील लहरी ने हाल ही में इंडिया टुडे को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा, मेकर्स के जबरदस्ती इस फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की है, इसी वजह से वो जो दिखाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ट्रेलर में कुछ चीजें पसंद नहीं आई, कई चीजों को जबरदस्ती फिल्म में डालने की कोशिश की गई है। सुनील लहरी ने इसी इंटरव्यू में आगे कहा, ट्रेलर में दिखाया गया है कि हनुमान जी के ऊपर भगवान राम बैठे हुए हैं और तीर चलाते दिख रहे हैं। रामायण में ऐसा किसी भी जगह नहीं है, बल्कि लक्ष्मण ने ऐसा किया था वो भी हनुमान के आग्रह करने के बाद। हनुमान के कंधे पर राम बैठे जरूर होते हैं लेकिन तीर नहीं चलाते हैं। सुनील ने आगे कहा कि अगर ऐसा होता तो भगवान इंद्र का रथ ही काफी होता, राम जी को भेजने की जरूरत ही नहीं थी, वो हनुमान संग उड़कर रावण को मार सकते थे। अगली खबर सामने आ रही है, तारक मेहता के मिसेज सोढ़ी ने छोड़ा शो, असित मोदी पर लगाया गंभीर आरोप, जेनिफर मिस्त्री ने दर्ज कराई शिकायत, जानते हैं पूरी खबर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित कुमार मोदी एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा द्वारा बकाया भुगतान न करने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था। इस शो में मिसेज सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया है। असित मोदी के साथ जेनिफर मिस्त्री ने प्रोजेक्ट हेड सोहिल रामानी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जेनिफर मिस्त्री ने 15 साल बाद शो को छोड़ने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि आखिरी बार मिसेज सोढ़ी 7 मार्च को सेट पर पहुंची थी, तभी प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज ने उन्हें किसी बात को लेकर किया था, जिसके बाद वह सेट से लौट आई। जेनिफर मिस्त्री का आखिरी एपिसोड 6 मार्च को आया था। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि सोहिल ने मेरी गाड़ी को जबरदस्त, इतना ही नहीं मैंने उनसे कहा भी कि मैंने 15 साल इस शो के साथ काम किया है और मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद सोहेल ने मुझे धमकी दी, मैंने असित कुमार मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर सामने आ रही है, गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग, हादसे में 2 मिनट में 2 करोड़ की पोर्श कार जलकर स्वाहा हो गई,
यह हादसा गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ है। हादसा गुरुवार की सुबह 4 बजे हुआ, जब ये महंगी स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में एक पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद स्पोर्ट्स कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर गुजर रहे राहगीरों ने दमकल विभाग व पुलिस को खबर दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे, दोनों ही आग लगते ही कार से बाहर भाग खड़े हुए, जिनकी जान बच गई। अगली खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद हुए केजरीवाल। अधिकार मिलने पर बोले, ये दिल्ली की जनता की जीत। जानते हैं पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन करने का जो फैसला सुनाया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार को नई संजीवनी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार और मजबूत हो गई है। इस फैसले के आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों की बैठक बुलाई। वहीं आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है, अरविंद केजरीवाल के जज्बे को नमन है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बधाई, सत्यमेव जयते। संजय सिंह ने आगे कहा कि मोदी जी ने दिल्ली की जनता का 8 साल बर्बाद कर दिया, उनकी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का आज अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत, ये फैसला लोकतंत्र की जीत है, हर एक दिल्लीवासी की जीत है, केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता का संघर्ष रंग लाया। जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी ने देश भर में चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हड़पने की मुहिम चला रखी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तमाचा है। ये राय है गोपाल राय जी की। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये जनता की जीत है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई। अगली खबर सामने आ रही है, अमृतसर ब्लास्ट पर पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। अमरीक सिंह ने असेंबल की थी आईईडी, बरामद हुए 1.1 किलो विस्फोटक। जानते हैं पूरी खबर। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हुए ब्लास्ट मामले की गुत्थी को पंजाब पुलिस ने सुलझा लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने गुरुवार सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी पंजाब के ही रहने वाले हैं। इनकी पहचान आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। डीजीपी ने बताया कि आजादवीर सिंह और अमरीक सिंह ने आईडी असेंबल की थी। आजादवीर के पास से हमें 1.1 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, जबकि अमरीक सिंह की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। डीजीपी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने फ्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फर और पोटास को मिलाकर विस्फोट तैयार किया था। आजादवीर ने बम बनाने के लिए धर्मेंद्र सिंह को दिया, धर्मेंद्र ने आगे उसे हरजीत सिंह को दिया, फिर हरजीत सिंह ने उसे साहिब सिंह को दिया। बम बनाने की पूरी प्लानिंग अमरीक और आजादवीर की थी। इनके साथ एक महिला भी थी जो अमरीक सिंह की पत्नी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अगली खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र मामले पर झटका के बीच उद्धव से मिले नीतीश। कर्नाटक चुनाव होते ही ऑपरेशन विपक्ष में आई तेजी। जानते हैं पूरी खबर। कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन विपक्ष को और तेज कर दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीएम नीतीश विपक्षी एकजुटता के मिशन पर लगे हुए हैं। विपक्षी एकता का संदेश लेकर नीतीश कुमार मुंबई गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुंबई के मातोश्री में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने स्वागत किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता कायम करने के लिए मुंबई स्थित मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बातचीत तो होती ही रहती थी,
लेकिन यह तय था कि हम एक बार आएंगे। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, आश्चर्य की बात यह है कि कोई किसी पार्टी का नाम कैसे बदल सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम सबकी बात होती ही रही है। अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया है।